गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा पहले हम ये डिस्कस करते हैं आज कि हमने आज से पहले हमारे चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्लास लिए चार फोर क्लासेस, तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट हमने ये सीखा था कि वो हमको कोई वैल्यू दे देता है और बोलता है चेक करो क्या ये वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। थर्ड पॉइंट एक चीज और पढ़ी थी हमको, हमने एक्स की वैल्यू गिवन थी, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, हमको ये बोला गया था Find the value of A, such that ये value क्या होती थी इसका solution। तो हम क्या करते थे इस value को इसमें put करते थे और वहां से क्या निकालते थे value of A। Clear है। इसके बाद जो हमने second video करी थी, जो second lecture हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था quadratic equation की formulation कि हमको given है word problem, उस वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हमने सीखी थी। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। गॉट इट। जो कल लेक्चर गया है लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे दो मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या सभी को यहां तक क्लियर है कि हमने इस चैप्टर के चार लेक्चर किए हैं और चार लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हां जी स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के चार लेक्चर किए हैं, तो हमने चार जो भी हमने चार क्लास करी थी उसके अंदर हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जो हम आज लेक्चर करने वाले हैं उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं आप सभी को पता है, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन डी। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। आज का जो सारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है? डी के ऊपर है। और डी क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। आप सभी को याद है अगर डी की वैल्यू क्या हो 0 से बड़ी, इट मींस रूट्स आर रियल बट दे आर डिस्टिंक्ट, वो होते अलग अलग। अगर डी क्या हो जाए 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी क्या हो जाए 0 से छोटा, इट मींस रूट्स आर नॉट रियल। क्या सभी को ये चीज याद है जो आपको कल पढ़ाया गया था? क्या सभी को यह चीज याद है? नेचर ऑफ रूट्स, कंडीशन ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट, याद है सभी को? आज की जो हमारी क्लास रहेगी 30 मिनट्स की, वो सारी क्लास डी के ऊपर है। डी अगर आपको डी याद है दैट्स इट, आज का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। आज जो हम करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, मैं अभी आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, उस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3rd, 4th, 5th और 6th। सभी नाम दें। एक्सरसाइज का नंबर है 4.6। चाहे वो एक्सरसाइज एलिमेंट की है, चाहे वो एक्सरसाइज एडिशन मार्क की है, एक्सरसाइज नंबर 4.6 आज मैं डिस्कस कर रहा हूं उसका एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 और 6 जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आप करोगे, एग्जांपल मैं कर रहा हूं। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? मैं कर रहा हूं एग्जांपल्स और आपको करने हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर 4.6, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी है, कोई भी बुक है, कंसेप्ट सभी में मिलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल। सभी ध्यान दें बोर्ड में,
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि हमको किसी के की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। हमें गिवन है रूट्स आर इक्वल, कंडीशन इज रूट्स आर इक्वल। तो मुझे सभी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सभी बताएंगे चैट बॉक्स में बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। वेरी गुड बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। एज यू कैन सी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 16। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? क्योंकि देखो बेटा पहला पॉइंट है एबीसी पहचानना, अगर वही पहचानना नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? वैल्यू ऑफ ए बी सी, वैल्यू ऑफ ए इज 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5k और सी की वैल्यू 16। हमें क्या करना है? बी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 5k माइनस 4, 16 सोल्व किया 25k स्क्वायर माइनस 16 फोर जा 64। क्लियर है? हमें क्या गिवन है? रूट्स आर इक्वल, इट मींस डी की वैल्यू 0, 25k स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 0। 64 किसका है? माइनस वहां जाके प्लस 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 64। ये क्या है? मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा? डिवाइड में। कल आपको बताया था जब स्क्वायर हटेगा तो क्या छोड़ेगा? प्लस और माइनस, साथ में क्या जाएगा? स्क्वायर रूट। नाउ चेक करो कौन इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 8 का और ये स्क्वायर है 5 का, तो हमारा आंसर आ गया प्लस का 8 बाय 5 और माइनस का। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? द आंसर विल बी 8 बाय 5 एंड माइनस 8 बाय 5। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड, आप सभी के लिए नेक्स्ट इक्वेशन सभी ध्यान देंगे। इक्वेशन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करें 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले पहचाने ए बी सी, डी का फॉर्मूला लगाएं और डी को 0 कर दें। कंडीशन आई है रूट्स आर इक्वल, तो डी को 0 करना है। करो सभी, सभी अपना अपना करेंगे, डोंट चीट। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इक्वल्स टू 144, k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 144, रूट हटाएंगे क्या आ जाएगा 12। तो दो आंसर आ गए, एक तो प्लस और एक माइनस। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? हां जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट और क्वेश्चन क्लियर दोनों? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बस, ठीक है? सभी ध्यान देंगे आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x। सबसे पहला स्टेप राइट साइड 0 बनाएंगे, सभी को ले आओ लेफ्ट साइड। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान और इंपॉर्टेंट भी है।
सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान दो, ये किसका है माइनस, इसे लाके प्लस, राइट, ये एज इट इज, ये किसका है माइनस, इसे लाके प्लस, साथ में प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। नाउ फोकस, दोनों में एक्स स्क्वायर है, कॉमन निकाल दो, क्या बच गया के प्लस फोर, क्लियर है। यहां बचा के और यहां बचा प्लस फोर, इन द सेम वे यहां से कॉमन निकाल दो एक्स, यहां बचेगा के, एक्स वन जा, यहां बचेगा वन, साथ में प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। नाउ फोकस, ए की वैल्यू कितनी है के प्लस फोर, बी की वैल्यू कितनी है के प्लस वन, और सी की वैल्यू कितनी है वन। क्या सभी को एबीसी क्लियर है? क्या सभी बच्चों को एबीसी क्लियर है? एबीसी इसके बाद आसान है, लगा दो फॉर्मूला, चलो हो जाओ शुरू, सारे शुरू हो जाओ, इसके बाद आसान है फॉर्मूला, बिल्कुल। फॉर्मूला क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वेरी गुड, लगाओ। बी का तो क्या करना है, स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू के प्लस फोर, सी की वैल्यू वन इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप, अब इसको करना है सोल्व, कैसे करेंगे आपको आता है, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर है। नाउ फोर इंटू क्या करेंगे, अंदर फोर इंटू के, फोर के, फोर फोर जा सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है, क्योंकि फोर वन जा फोर, क्लियर। नेक्स्ट है के स्क्वायर प्लस वन, कितना आ जाएगा टू के, माइनस का फोर के, माइनस का सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट है के स्क्वायर, चार में से दो गया दो, बड़ा कौन है माइनस का, सोलह में से एक गया पंद्रह, बड़ा कौन है माइनस का, इक्वल्स टू जीरो। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने पहले इक्वेशन को सीधा किया, इक्वेशन को सीधा करने के बाद एबीसी को पहचाना, एबीसी को पहचानने के बाद हमने क्या किया, डी का फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोबारा से क्या लगाएंगे, या तो लगा लो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या क्या लगा लो फैक्टराइजेशन, जो आपका मन करे। ध्यान दो, इसी को शुरू करने के दो तरीके हैं, देखो नंबर छोटा है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इजी रहेगी। तो ध्यान दो, यहां पे है वन, यहां है माइनस का टू, माइनस का फिफ्टीन, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का पंद्रह, और उनको क्या करना है, दो नंबर में तोड़ना है, उन दो नंबर को छोड़ के क्या आना चाहिए माइनस का दो। सोचो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का पंद्रह और जोड़ने पे माइनस का दो, किसमें तोड़ेंगे, वेरी गुड, पांच में और तीन में माइनस का कौन प्लस का कौन, पांच और तीन ठीक है वेरी गुड, लेकिन माइनस का कौन प्लस का कौन, हमें टू चाहिए माइनस का, तो बड़े वाला माइनस छोटे वाला प्लस, क्लियर से रुपए बात। हाँ जी, हम तोड़ेंगे पांच में और तीन में, हमें चाहिए माइनस का, तो बड़े वाला माइनस छोटे वाला प्लस। ध्यान दो, के स्क्वायर माइनस का तो फाइव के, प्लस का थ्री के, माइनस का फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो, के कॉमन निकाल लिया बेटा, के माइनस फाइव, थ्री वन सा थ्री फाइव सा, कॉमन निकाल लिया थ्री, के माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। यहां से कॉमन आएगा क्या, के माइनस फाइव, क्या बचेगा के प्लस थ्री, यहां से निकलेंगे दो रास्ते, के माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, k की वैल्यू 5, k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू माइनस 3। क्या सभी को क्लियर है?
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? इजी था लेकिन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है? क्वेश्चन इजी लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है? आप एक क्वेश्चन वो कर रहे हैं इसी के जैसा, वो भी थोड़ा सा लेंथी है, उसमें भी करने में मजा आएगा, ठीक है? देखो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं बोर्ड साफ कर दूंगा, ठीक है? देखो, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बोर्ड में आ चुके दो दिन बाद, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2k प्लस 1, उसके साथ में है x2, फिर गिवन है 7k प्लस 2, उसके साथ गिवन है हमको x, फिर हमको गिवन है 7k माइनस 3। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें लगेगा आपका बेसिक मैथ, कुछ नहीं करना, आपको अपना एबीसी सीधा दे रखा है, सिर्फ अपना डी लगाना है, लेकिन डी को सोल्व करना ध्यान से, कहीं पे अगर प्लस माइनस की गलती हुई सारा क्वेश्चन खत्म। आप अपना करो, मैं मेरा करूंगा, बिल्कुल इजी है, इसमें मैथ लगेगा 9th क्लास का, 8th क्लास का, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है आपको। वेरी गुड, ट्राई करो एक बार। देखो मैं मेरा कर रहा हूं, आप बाबा अपना करो। ये हमें गिवन है बी, हमें करना था बी का स्क्वायर माइनस 4, साथ में गिवन है ए, और साथ में गिवन बेटा सी, हमने लिख लिया डी की कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर सभी को? हाँ जी बेटा, गॉट इट सभी को? सभी सोल्व करें इसको, ट्राई करें, वेरी गुड वेरी गुड, इसको सोल्व करने का ट्राई करें। सबसे पहला स्टेप, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। क्लियर है? हाँ बेटा, हमें क्या करना है, इसको आप ओपन करना है। फर्स्ट स्टेप, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? इसके बाद यहां तो सभी माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, क्या बचेगा? 7k प्लस 2, कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे, फोकस, माइनस 4 इनटू, हमें बेटा नेक्स्ट स्टेप भी करनी है, मल्टीप्लाई, ध्यान दो, 7 2 14, k इनटू k, k स्क्वायर प्लस इनटू माइनस, माइनस 3 2 6k, नेक्स्ट प्लस इनटू प्लस, प्लस 7 1 7, साथ में k प्लस इनटू माइनस, माइनस 3 1 3, क्या सभी को मल्टीप्लाई क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्लाई करें बेटा चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को मल्टीप्लाई क्लियर है? बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना विद साइन, ठीक है? ओके बेटा, ना फोकस, नेक्स्ट स्टेप, सभी ध्यान देंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे ओपन करेंगे इसका स्क्वायर, क्या करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? हमने क्या लगाया? ए प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? नाउ इसको करेंगे सॉल्व, 14 तो के स्क्वायर, साथ में से 6 गया 1, बड़ा कौन है प्लस का, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? नेक्स्ट है 49 तो आ गया के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 2 14, 14 2 28। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे, 14 4 56, 4 into k 4k, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 इक्वल्स टू 0। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? हमने स्क्वायर ओपन किया और जो बाद में मल्टीप्लाई की थी उसको ओपन किया, आप मुझे बताओ क्या क्या बचेगा, के स्क्वायर कितना बचेगा, के कितना बचेगा, नंबर कितना बचेगा, सोल्व करो उसको। 49 के स्क्वायर, 56 के स्क्वायर, कितना बचेगा, क्या बचेगा, सोल्व करो।
चलो मैं ये पूछता हूँ, मुझे ये बताओ के स्क्वायर कितना बचेगा, के स्क्वायर कितना बचेगा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, -7 राइट। के कितना बचेगा, के कितना बचेगा, के 28 में से 4 गया बेटा, -4 है ध्यान दो। यस यू आर राइट, 28 में से 4 गया तो क्या बचेगा 24, माइनस का 7 के स्क्वायर प्लस का 24 के। अब ध्यान दो नंबर पे, नंबर क्या है, प्लस का तो 4 प्लस का 12 क्या हो गया, प्लस का 16, क्लियर है। तो ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान दो नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्लियर है। सभी करो डी फटाफट, तो बताओ क्या आएगा इस इक्वेशन का, डी बताओ, डी ट्राई करो। देखो तुम अपना करो, मैं मेरा करता हूं, कोई बोर्ड पे ध्यान देना, अपना अपना करो। बी स्क्वायर माइनस 4 ए और फिर सी, मुझे फटाफट अपना मल्टीप्लाई बता दो, माइनस माइनस प्लस 7 4 16 मल्टीप्लाई कितनी आएगी बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 7 4 और 16 मल्टीप्लाई कितनी आएगी। वेरी गुड वेरी गुड, मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 576 जोड़ो। वेरी गुड, मल्टीप्लाई आ रही है 448, अच्छी बात है। आप उसके अंदर जोड़ो 576। वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो। हाँ जी वेरी गुड, आपका आंसर आ रहा है 1024। और मुझे थोड़ा सा अगर आपको स्क्वेयर्स याद है तो क्या मुझे बताएगा इसका स्क्वेयर, ये किसका स्क्वेयर है, 1024 किसका स्क्वेयर है, याद है किसी को, 1024 किसका स्क्वेयर है। चलो ट्राई कर लेना, मैं बता देता हूं 32 का है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो क्या ये स्क्वायर है 32 का। हमने सीखा था कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ध्यान दो b की वैल्यू कितनी है 24, डाल दो प्लस माइनस, हमने निकाल दिया रूट डी कितना आया 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है -7। यहां से निकलेंगे दो रास्ते, कैसे, माइनस का 24 एक बार तो लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, नीचे क्या आ जाएगा 7 2 14, नीचे क्या आ जाएगा 7 2 14। क्या सभी को ये क्लियर है, इसके बाद सोल्व करना है, वर्क कर सकते हो। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 3-4 बार, कम से कम 3-4 बार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सभी बच्चों को पूरा क्वेश्चन क्लियर है, पूरा क्वेश्चन, वाई फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स। अगर किसी का नेटवर्क इश्यू है कोई चिंता नहीं है, वीडियो बना रहा हूं वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं है, ठीक है, वीडियो से रिवाइज कर लेना। लेकिन मुझे ये बताओ आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ, ठीक है अब हम चलते हैं, ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमने किया, बच्चे का क्वेश्चन डाउट आ रहा है कि लास्ट में रिपीट कर दो, देखो बड़ा कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने डी को जीरो किया, उसको हम सोल्व करते गए, दोबारा से इक्वेशन आ गई, दोबारा से क्या निकाल दिया डी निकाल दिया। हमें ये पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, आपको आनी चाहिए लॉन्ग डिवीजन, अगर नहीं आती तो सिखा दूंगा संडे को, ठीक है, इसके आनी चाहिए लॉन्ग डिवीजन। देखो करके बता देता हूं, आपको आती भी होगी, 1024 दो दो के पेयर बनेंगे, 3 3 9 रिमाइंडर इज 1,
नीचे उतरेगा 24, 3 में 3 जोड़ दिया 6, फिर जाएगा 2 पे। बताओ सभी, क्या सभी को लॉन्ग डिवीजन क्लियर है? जिसको स्क्वायर याद नहीं है उसको लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए, ठीक है बेटा? ये चीजें हैं हम 8th में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में, ठीक है? ये चीज हमको आनी चाहिए, क्योंकि बेटा जैसे जैसे आगे जाओगे पिछले वाले तो वैसे बना पड़ेगा। आप सभी ध्यान देंगे, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है रूट्स आर रियल, सिर्फ रूट्स रियल हैं। तो आप सभी को पता है डी की कंडीशन क्या होती है, अगर रूट्स रियल है तो आपको क्या करना है, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देना है, रूट्स रियल और रूट्स रियल। तो हम क्या बोलेंगे, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? अगर रूट्स बोल रहे हैं रियल है, अगर रूट्स रियल है तो उसका मतलब क्या है, या तो डी क्या है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। क्या सभी को ये चीज क्लियर? हाँ जी। इसके बाद हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है। ध्यान दो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल्स टू 0। बोल रहा है k की वैल्यू बता दो, अगर रूट्स क्या है रियल है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ मारो d पे, हमें सिर्फ d निकालना है। देखो एक क्वेश्चन में कर रहा हूं, बाकी आप करोगे। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या सभी को ये लाइन क्लियर है? आपको अपना डी निकालना है और डी को क्या कर देना है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा। ये चीज सभी के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर गिवन हो रूट्स आर रियल तो कंडीशन ये लगेगी। इसके बाद बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आ जाओ बोर्ड पे। दो का स्क्वायर तो होता है 4, 4 से क्या होता है 12, साथ में k इक्वल्स टू 0 तो नहीं कर दिया, जीरो से बड़ा जीरो के बराबर। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देंगे सभी, प्लस 4 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 4। ये बात क्लियर है सभी को? सभी को ध्यान देना है, अगर आपका यहां पे कोई नंबर माइनस में होता है और अगर आप उसको लेके जाते हो डिवाइड में, तो सभी को ध्यान देना है ये साइन हो जाएंगे चेंज। इट मींस अगर आप लिखोगे के माइनस 4 बाय माइनस 12 तो ये मैथ्स का रूल है, दिस साइन विल गेट रिवर्स, ये साइन हो जाएगा उल्टा। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? जब आपका माइनस का साइन मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है, साइन हो जाएगा रिवर्स। ये चीज आपको दिमाग में सेट करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। मान लो ऐसे गिवन है माइनस 3 के और ये बड़ा है किससे, 6 से। अगर आप इस माइनस 3 को डिवाइड में ले जाओगे, इट मींस दिस साइन विल गेट रिवर्स। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या सभी को क्लियर हुई? हाँ जी, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? इसके बाद बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, काटना पीटना है बस। माइनस माइनस कट, 4 1 4 3 3, हमारा आंसर आ गया। के की वैल्यू क्या है, माइनस के की वैल्यू क्या है, 1/3 के बराबर या 1/3 से छोटी। क्लियर है? आई बात समझ में? के का आंसर क्या आ गया, 1/3 से छोटा या 1/3 के बराबर। क्लियर है? क्या सभी को कुछ कुछ क्लियर हुआ? कुछ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये क्या 0 के इक्वल। सॉल्व करेंगे इसको भी, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, सॉरी 0 है 0 से बड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू के 4k, 0 है 0 से बड़ा। नेक्स्ट स्टेप प्लस 16,
will become minus 16. Next step, minus 4 का जाएगा divide में, sign will change, minus से minus कर, 4 1 जा, 4 4 जा, we get k की value 4 या 4 के बराबर या 4 से छोटी। बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कंडीशन ऑफ रियल रूट्स, देखो बेटा दोबारा समझा रहा हूं ध्यान दो, साइन चेंज की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, देखो दोबारा समझा, चलो ध्यान देना साइन चेंज पे। देखो मान लो आपके पास चार टाइप की इक्वेशन है, 2k प्लस 4 और ये बड़ा है 8 से, 2k माइनस 4 ये भी बड़ा है 8 से, माइनस 2k प्लस 4 ये बड़ा है 8 से। आपको इन तीनों कंडीशन के अंदर क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, आपका ये नंबर प्लस का है या माइनस का है, जब ये वहां जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जो ये था एज इट इज, नो साइन चेंज, प्लस 4 वहां जाके माइनस 4, ये माइनस वहां जाके प्लस। क्या सभी को ये क्लियर है? ये चीज अगर नंबर प्लस में है या माइनस में है वहां जाएगा तो नो साइन चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, जो था वही रहेगा। क्लियर है? आई बस उनमें अब ध्यान दो नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है? देखो ये था प्लस का, वहां जाके हो गया माइनस का, माइनस 2k बड़ा है 8 में से 4 गया 4, लेकिन जब ये वाला नंबर डिवाइड में जाएगा, अगर ये नंबर माइनस का है तो ये क्या करेगा, साइन को कर देगा रिवर्स, और अगर ये नंबर प्लस का है तो जो साइन था वो का वही रहेगा। क्लियर है? आई बस समझ में। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं, 2k बड़ा है किससे, 8 और 4 12, ये दो का गया डिवाइड में, अगर डिवाइड में गया तो साइन विल रिमेन सेम, क्यों, ये था प्लस का और क्योंकि ये था माइनस का तो साइन विल गेट रिवर्स। क्लियर है? अगर मल्टीप्लाई वाला नंबर नीचे जाएगा डिवाइड में तो साइन पे ध्यान देना है। क्या सभी को क्लियर हुई ये चीज, साइन चेंज कब करना है? अगर मल्टीप्लाई वाला नंबर प्लस का है साइन विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाई वाला नंबर माइनस का है साइन विल गेट रिवर्स। ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसके अंदर बेटा कंसेप्ट किसका है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे इट मीन्स व्हाट, जो डी होगा वो क्या होगा, जीरो या जीरो से छोटा, सॉरी जीरो से छोटा। क्या हुआ, समझ नहीं आया? एक बच्चा पूछ रहा है दोबारा ज्वाइन करना है, क्या हुआ? हाँ जी बेटा, व्हाट हैपेंड? हाँ जी, वन स्टूडेंट सेइंग दोबारा ज्वाइन करना है बेटा, व्हाट हैपेंड? आई थिंक 2 मिनट बाकी है, 2 से 3 मिनट है, कोई बात नहीं, हम कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, फोकस 2 मिनट के अंदर कवर करेंगे। देखो हमें डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। हमें बेटा इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है बताना है, अगर रूट्स रियल ना हो तो k की कंडीशन क्या होगी। देखो बेटा कंडीशन तो वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 0 से छोटी तो लेस देन
जीरो। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हमें गिवन है रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं है इट मींस जो डी है वो क्या है, जीरो से छोटा। अब सारा मुद्दा है इसको सोल्व करने का, हमें ये चीज सोल्व करनी है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्लियर है? तो देखो बेटा टाइम कम है, इसको मैं सोल्व करना सिखाऊंगा कल, ठीक है? आई थिंक एक मिनट में नहीं हो पाएगा। तो आज का होमवर्क सभी ध्यान से सुने, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 6 ये तो करने हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपको करने हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चाहे वो बुक एलिमेंट की है चाहे वो बुक आरडी की है, एक्सरसाइज नंबर 4 और 6 दोनों की, ठीक है? मिलते हैं कल, और कल की क्लास लेंगे मॉर्निंग में, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कल क्लास लेंगे मॉर्निंग में 7 AM, ठीक है? जल्दी उठ जाना कल, ठीक है? बाय।